हजार हिंसा पर एक्शन में है सीएम साय। सीएम हाउस में उच्च स्तरीय बैठक ली गई। सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में यह बैठक हुई जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बलौदा बाजार की घटना को लेकर यह बैठक की गई। सामाजिक नेताओं के साथ भी बैठक की गई। पुलिस के आला अधिकारी, समाज के लोग भी शामिल हैं। उपद्रवियों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बलौदा बाजार की घटना के बाद रायपुर में भी पुलिस अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। भड़काऊ पोस्ट किए जाने पर कार्रवाई होगी। राज्य स्तरीय टीम इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि प्रदेश के हर विभाग में रिफॉर्म किया जा रहा है। कांग्रेस राज में प्रदेश माफिया राज के चंगुल में फंस गया था। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम किया, हर जगह सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया, हर जगह माफिया राज और भ्रष्टाचार चलाने का काम किया। इसलिए सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे विभागों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आवश्यक रिफॉर्म्स की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जो मोदी की गारंटी है उसके तहत किसान भाइयों के लिए महतारी वंदन योजना अंतर्गत, माताओं बहनों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हम सब लोग समर्पित होकर लगातार काम करते रहेंगे। और दूसरी ओर माफिया राज से के चंगुल में जो सिस्टम फंस गया था उसे रिफॉर्म एजेंडास के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रदेश को